बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजी नाजीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बेनकाब और मैं हूं आपका होस्ट रिजवान मलिक। जैसे कि आपको पता है कि TV99 ने यह बेड़ा उठा रखा है कि सब पुलिस वाले अफसरान, करप्ट अफसरान के, हम रिश्वत खोर अफसरान के खिलाफ हैं और जो ड्यूटी अपना पूरी ईमानदारी से करते हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। TV99 के पास एक और केस आता है पुलिस गर्दी का, जो थाना मिल्लत टाउन फैसलाबाद में पुलिस गर्दी, पुलिस का ये हमें नहीं आज तक पता चल सका। बड़े बड़े दावे करते हैं इमरान खान साहब के मदीना की रियासत बना दी गई है और पुलिस इंसाफ करती है, कहां इंसाफ। आज फिर फैसलाबाद में पुलिस गर्दी हुई है और शरीफ शहरियों को मुजरम बना देते हैं ये लोग। आए बात करते हैं प्रोग्राम में, आज थाना मिल्लत टाउन के हवाले से बात करेंगे, जहां पे हमारे एक शरीफ शहरी महबूब आलम को मुजरम बना दिया गया और उनके साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई। जी अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ये पहले शख्स नहीं है पाकिस्तान में, ला कानूनियत इतनी बढ़ती जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का तो कहना है कि हम ये बनाएंगे मदीना की रियासत और पुलिस होगी इंसाफ पर काम करने वाली। माजरत के साथ इमरान खान साहब, अभी ऐसा कोई काम नहीं है। ये बताएं महबूब साहब के 1/7/2021 को FIR काटी गई, जिसमें दफा लगा दी गई 148, 147, तो ये किस नाम से काटी गई और क्या माजरा है ये बताएं। सर ये थाना मिल्लत टाउन में मेरा कारोबार है, एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ मैं। जी जी। मैं 12/7/2021 को कचहरी में मौजूद था जी, तो मेरे घर से मुझे फोन आया कि पुलिस वाले आए हैं नीचे। सही। तो मैंने, मेरी बेगम ने बताया कि पुलिस वाले आए हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं? उन्होंने कहा वो सीढ़ियाँ लगा के हमारे घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। मैं तो फिर मुझे कॉल करवाई है कि महबूब को बुलाओ। मेरी बेगम ने मुझे कॉल की है, फिर फरहान ऐसा ही ने मुझसे बात की है। मैंने कहा क्या मसला है, किधर आए हो, क्या लेना है, मेरा क्या जुर्म है? तो फरहान मुझे कह रहा था कि यहाँ पे कोई विकास नामी लड़का रहता है। मैंने कहा ये विकास का घर नहीं है, ये महबूब संधू का घर है, ये मेरा घर है। तो मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा कोई जुर्म है या कोई मैंने जुर्म किया है या मुझ पर कोई FIR है तो बताओ। नहीं नहीं, इधर विकास नामी बंदा है ना, वो इधर रहता है, किराए पे उसने मकान लिया। मैंने कहा ये मेरी रहायश है, यहाँ पे विकास नामी कोई बंदा नहीं है। ये पुलिस का काम है नाजरीन के देख ले, विकास नामी बंदे को ढूंढने के लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पमाल कर देते हैं। उन्होंने कोई नहीं पूछा और सीढ़ियां लगा के अंदर इंटर। तो फिर मुझसे बात हुई है, फिर मेरी बेगम से कहने लगे है कि चाबियां दो। उसने चाबियां ली, फरहान ने और अली रजा शाह थे और जीशान मलक। ये फरहान और अली रजा शाह पुलिस वाले थे? फरहान ऐसे ही पुलिस वाला था, 6 पुलिस वाले नाम लो, उनका नहीं नाम पता। वो खतीब ड्राइवर था, अपना तनवीर रंधावा ड्राइवर था, उसका भी पता है, और शबाद गेले ऐसा ही है, उसका भी मुझे पता है। और पुलिस के अलावा भी कुछ लोग थे? तो इसमें वो अली रजा शाह था और इनके साथ वो था तनवीर, अपना मलक तनवीर है, वो अपने आप को पता नहीं कौन सा इंस्पेक्टर कहता था, मुझे नहीं पता। वो घर वालों को सबसे सब ज्यादा इसने ज्यादती ये की है, फरहान ने, मेरी छोटी 6 की बेटी है उसको थप्पड़ मारे हैं, उसको वो अपनी मम्मा के पास भाग के गई है तो उसको यूं फेंक दिया इसने, और मेरी बेगम के साथ बदतमीजी की है, गाली गलोच करता रहा है। उसके साथ जाते हुए मेरी बाइक भी ले गए, वो मेरे एक कारीगर से मैं लेके आया था घर कपड़ा लेने के लिए, वो भी ले गए। फिर वो उसकी, मैं कहता रहा कि आगे ले जाओ, जब वो लेने गया उसको भी इसने धमकाया कि ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और जाते हुए मेरे घर से 5 लाख रुपया और 1.5 तोले की मेरी बेगम की ब्रेसलेट है, वो भी जाते हुए ले गए हैं। तो फिर मैंने 12/7 को जब इन्होंने रेड किया, फिर मैंने 13/7 को एडिशनल सेशन जज के रिट पिटीशन दायर कर दी और CPO साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उसका कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। मैं जब उधर जाता था पिटीशन में या उधर वो जो दरख्वास्त है CPO साहब को दी थी, उन्होंने SP मदीना टाउन को लगा दी, वो कमेंट्स में लिख कर बता देते हैं कि सुलह हो रही है, आया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। फिर मैंने अपने नदीम अनवर चौधरी साहब एडिशनल सेशन जज है, उनको रिट में बताया कि सर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, आला अफसरान से कमेंट्स मंगाए जाए। इसके बाद 16/7
वो फिर उन्होंने पुलिस मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी। फिर 19-7 को इन्होंने फरहान एएसआई ने डॉल्फिन वाले भेज दिए। डॉल्फिन मेरी मेरे पास मूवी भी मौजूद है, वो भी मैं आपको पेश कर सकता हूँ। और डॉल्फिन वाले यहाँ कहते हैं कि उन्होंने मुझे मेरी फैक्ट्री से थोड़ा सा 2 चौक पहले रोका है, कहते कागज के तरह गाड़ी के, मैंने कहा घर पे हैं। तो दूसरा जो आमर और अरसलान था वो कहता तू बड़ी रिते करता है, तेरा इलाज कर लेते हैं। इसके बाद वो मेरी फैक्ट्री के बाहर खड़े हो गए और जो राहगीर जाते थे उनकी तलाशियां लेते थे। वो सीसीटीवी हमारे कैमरे लगे हुए हैं मेरी फैक्ट्री में, उनकी मूवी भी मौजूद है। महबूब साहब ये जो तलाशी लेना ये तो उनका काम है, मगर ये नाजरीन सीधी सीधी धमकी लगाना कि बहुत रिटे करते हो तुम्हें देख लेते हैं, पुलिस अवाम के तहफ्फुज के लिए बनाई गई है। पुलिस को अपना मुकाम याद रखना चाहिए कि ये अवाम के तहफ्फुज के लिए, उस पर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। मगर अफसोस के साथ नाजरीन कहना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान का निजाम पुलिस का ऐसा है कि ये गुंडे बन जाते हैं, वर्दी वाले गुंडे। आज तक चंद एक अफसरान हैं जिनका काम बाइसे फखर है पुलिस के लिए, जैसे सीपीओ रह चुके हैं फैसलाबाद के सुहेल चौधरी साहब, उन्होंने इंसाफ मौका पर ही फराहम किया। कहाँ पे हैं ये ऐसे अफसरान? आईजी साहब से हम दरखास्त करते हैं कि अपनी पुलिस को कंट्रोल करें। सीपीओ फैसलाबाद, आरपीओ फैसलाबाद को बताना चाहते हैं कि सर अभी आपकी नई तैनाती हुई है, आप ऐसी काली भेड़े निकाल के महकमा से बाहर फेंकें, ऐसा ना हो कि किसी दिन ये भी मुल्क पुलिस की वजह से पढ़े लिखे नौजवान जुर्म की तरफ जाना शुरू कर दे। तो आपको जब थाना में बुलवाया तो आपकी सुनवाई हुई कोई? नहीं सर, वो मुझे बल्कि ब्लैकमेल करता है फरहान एएसआई, कहता मैं तुझे पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा और धमकियां देता है। अगर मेरा कभी भी कोई नुकसान हुआ है, फरहान और अली रजा शाह और मलक जीशान वगैरह, ये इन्होंने करना है। और इसके बाद सब जब नदीम अनवर चौधरी साहब ने आला अफसरान से कमेंट्स का मुतालबा मैंने किया, तो उन्होंने अफजल एसएसपी ऑपरेशन के पास मेरी इंक्वायरी लगा दी। वहाँ पे मैंने वीडियो भी पेश की, अपने गवाह भी पेश किए, तो उन्होंने रिपोर्ट में लिख दिया ये वीडियो भी नहीं पेश कर सका और गवाह भी नहीं, और उनकी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि मेरे गवाहों के बयान हल्फी भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशन ने डॉल्फिन वालों को बुलाया और उनको दो अरसलान और आमर को मौका पर मुअत्तल कर दिया। अच्छा, वीडियो भी नहीं और मौका पर मुअत्तल भी हुए, किस हिसाब से कर दिया उन्होंने मुअत्तल? ये सोचने की बात है, सोचना पड़ेगा। ये बताएं कि इम्तियाज नामी शख्स पे जो एफआईआर हुई है 5 अगस्त नामालूम, उस एफआईआर का क्या बना? सर उस एफआईआर में 5 नामालूम है। फरहान ने ये धंधा शुरू किया हुआ है, झूठी एफआईआर देता है और कभी 376 की एफआईआर देता है और लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं उनको मुलवस करता है और उसके पैसे लेके छोड़ देता है। इसी एफआईआर में तनवीर, अबू बकर और फहीम, वो एक रहीम है, वो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इसने थाने में से फारिग कर दिए हैं। इसने एक पर्चा 392 का दिया जिसमें आफ्ताब नामी वार्डन सब इंस्पेक्टर को इसने नामजद किया, फिर उससे पैसे लेके उसे भी डिस्चार्ज कर दिया, और वो तनवीर नामी शख्स था उसको भी डिस्चार्ज कर दिया, और इसमें फिर नवीद को मुलवस कर दिया, इसी एफआईआर में मुझे कर दिया। फिर मेन बात है कि 999 मुकदमा में इम्तियाज के अलावा 5 नामालूम अफराद पे एफआईआर है। फिर इसने क्या किया कि कच्ची बादी से एक खालदा नामी औरत को पकड़ा और उसको नामजद किया, आजाद फुलरवान की अदालत में से बेल्फ गया, बेल्फ ने वो खालदा नामी को बरामद किया और जज साहब ने उस बीवी को रिहा कर दिया और इस पर कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करने के आर्डर जारी किए। तो अभी तक फरहान पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ फैसलाबाद से ही आरपीओ साहब से, सीपीओ साहब से कि ये फरहान आपसे भी क्या ताकतवर है, बालातर है आपसे, ये कानून से बालातर हो चुका है कि ऐसे कितने मुकदमात भाई महबूब साहब ने हमें बता दिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे होता है एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ बातचीत हो रही है। महबूब साहब ये बताएं
कि ये एएसआई फरहान है, ये फरहान इतना ताकतवर बन चुका है, एएसआई की पोस्ट है, इसको ऐसा करना चाहिए। मैं तो मशवरा दूंगा आईजी पंजाब साहब से कि सर आप एएसआई बन जाएं और इसे आईजी पंजाब बनाएं ताकि इसके पास पावर बहुत है। आपने एक जिक्र किया है एफआईआर हुई थी 376 की, ये इसमें क्या माजरा हुआ था 376 में, ये बताएं। 376 की एफआईआर कभी देता है किसी पे, कभी 392 गेटियों की करवा देता है, जो भी इसके इख्तियारात में आता है, जो कोई मुकदमा चढ़ जाता है उसमें शरीफ लोगों को मुलवस करके पैसे लेके डिस्चार्ज करता है। ये जो 999 मुकदमा है जिसमें मुझे भी इसने नामजद किया हुआ है, एक ही घर के तीन बंदे नवीद नामी और तनवीर नामी शख्स और तनवीर नवीद की बेगम खालदा को भी इसमें मुलवस कर दिया। हत्ता कि बीवी औरत जात जो है वो रात को 1:30 बजे जाके फायरिंग तो नहीं करेगी ना, ये तो सर ये करप्शन करता है। इससे पहले सीपीओ आरपीओ के नोटिस में है सर, ये थाना गलामा का बाद में रजाबाद में तैनात था, कलीम शहीद चौकी में ये चौकी इंचार्ज था। इसने 10x एक मुकदमा दिया कुकोडू नाम के बंदे पे, उसमें 27 बंदे इसने चलान किए, वहां से 9.5 लाख रुपया रिकवरी हुई और इसने जो माल मुकदमे में शामिल किए वो 2,05,000 रुपए किए। फिर खुफिया तौर पर आला अफसरान ने इंक्वायरी की, आप चेक कर सकते हैं आरपीओ साहब या सीपीओ साहब ने इंक्वायरी की, उसमें इसको मुअत्तल कर दिया गया। ये करप्शन करता है, हाई लेवल पे करता है, कहता मुझे नहीं पता, मैं एसपी डीएसपी को पैसे देता हूँ, मुझे कोई नहीं, यहाँ से ना तो मिलर टाउन से कोई तब्दील करवा सकता है ना मेरा कोई कुछ कर सकता है। मुअत्तल शुदा पुलिस अफसर फिर जाके थाना मिलर टाउन में गुंडागर्दी कर रहा है, तो सोचिए कि कानून कहाँ है। इसको बोलते हैं इन जैसे करप्ट अफसरान की वजह से पूरा पुलिस महकमा अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर चुका है अपने लिए, अवाम के ये मुहाफ़िज़ होते हुए अवाम इनको अपना दुश्मन जानती है। अभी भी ये थाना मिलटाउन में, हाँ जी उधर ही तैनात है। एसएसपी प्रेशन साहब को मैंने बताया था, उन्होंने सिर्फ वार्डन वालों फरहान को बुलाया, ताकि मेरे 6 नामालूम मुल्ज़म थे, अली रजा शाह था और मलकजी शान था, किसी को भी नहीं बुलाया। मैं कहता रहा हूँ कि सर मेरे दूसरे मुल्ज़म भी बुलाओ, उनके साथ मिल मशाफा मेरी गुफ्तगू करवाओ। सिर्फ फरहान को बुलाया, फरहान एक बार आया है, सर मैं 9 गया हूँ, मेरी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो उधर से, तो मुझे रोज़ाना तरीक दे देते थे, और इसके अलावा मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। सर मैं अभी तक परेशान हूँ, मेरे ना तो पैसे वापस हुए हैं, ना मुझे वो अपना मेरी ब्रेसलेट वापस हुई है। मुझे कहता है 2 लाख रुपया ले ले बैठ जा, वरना किसी मुकाबले में तुम्हें फारिग कर दूंगा। मौजूद नाज़रीन ऑन कैमरा इतना बड़ा इंकशाफ और हकूमत और पुलिस महकमा फिर खामोशी तारी किए हुए है, क्यों? मगर TV99 इंशाल्लाह ऐसे गुंडा नुमा पुलिस अफसरान को कैफरे किरदार तक। महबूब से तो बात कर ली गई इस मुकदमे में, इस पर्चा में जो दूसरे मजलूम नवीद हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद सोहेल साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा ये बताएं कि आपके बड़े भाई तनवीर का नाम, आपका नाम और आपकी वाइफ खालिदा का नाम डाला गया, ये आपने जुर्म किया है? क्यों उन्होंने FIR में नाम डाला आपका? सर ये जो FIR हुई है 999 जिसमें फेरंग की है दफा, और जो भी नुकसान हुआ है ये जो दफा शामिल है इसमें, इसमें जो अली रजा शाह है वो है RM, ठीक है, एक मोबलिंग कंपनी सिक्योरिटी कंपनी वाइजर कंपनी में RM है, और ये झूठे मुकदमे लोगों पे डाल के उनसे पैसे लेता है और ब्लैकमेल करता है उन लोगों को। मैं एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर इनके पास रहा हूँ, इन्हें बहुत से लोगों से पैसे बटोले हैं, उसमें शबाज गुजर नामी शख्स है उसने भी इसे 50 लाख रुपए दिए, और बहुत लोग हैं जो भी सुपरवाइजर आता है उससे मंथली लेता है 50,000 लाख, किसी से 2 लाख, और ब्लैकमेल करता है। और मुबलिंग के जो हैं अफसरान उनको सबको पता है, ये सब मिली भगत कर रहे हैं, सब अफसरान को पता है। जब ये फेरम हुई जो नुकसान हुआ, इसने मुझे कॉल की उस वक्त उसने मुझे कॉल की है जब फेरम हुई है, नुकसान हुआ है,
उससे तकरीबन आधा घंटा पहले इससे मेरी बात हुई, इसने बोला किधर हो, मैंने कहा मैं अपने घर हूँ, इसने मुझे बोला इधर आओ, मैं इसके पास गया हूँ, मेरे पास एक एक इसकी रिकॉर्डिंग है अली रजा शाह की, ये इसने मुझे बुलाया उस मौके पर मैं गया हूँ, उसके बाद इसने मुझे जो जो ब्लैकमेलिंग मुझे की है मेरे साथ, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर और पर्चे दूंगा, तुम चोर हो, लिहाजा मैं सर शरीफ शहरी हूँ, मेरी एक जगह पे रहायश है, 25 से 30 साल मेरी उम्र है, उसी जगह मैं रह रहा हूँ जिस जगह से मेरी पैदाइश हुई है सर, उधर ही मैं रहा, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा है चोरी का, ना कोई डकैती का, हम सर शरीफ शहरी हैं, और इसमें मेरी बेगम को भी थप्पड़ मारे गए सर, ज्यादती की गई है। ये अली शाह नामी शख्स पुलिस में है या आम सिविलियन है? ये सर जो अली रजा शाह है ये सिविलियन है, और ये जो इरम शाह है वो कहता है मेरा बहन वही है, उसके साथ मेरे बोर नेशन है, वही मुझे करा रहा है, वही ऐसे कर रहा है। मैं सिर्फ अफसराने वाला से पूछना चाहता हूँ कि क्या कसूर है उन बहनों का जिसकी चादर चार दीवारी पमाल कर देती है ये पुलिस वाले, अपने पे बात आए तो ये देखते हैं कि हमने बचना कैसे है, कैसे एक दूसरे के पाँव में गिर जाते हैं ये पुलिस वाले। जुल्म की इंतहा है, मगर टीवी 99 इस जैसे पुलिस करप्ट अफसरान को नहीं छोड़ेगा, इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक लेके आएगा। तो आपने कोई रिट दायर नहीं करवाई इनके खिलाफ के हमने ये हम पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, कोई आला अफसरान के पास, सीपीओ साहब के पास, डीपीओ साहब के पास गए हैं आप? मेरे सर जब इसने रात को 1:30 बजे सीढ़ियां लगा के मेरे घर रेड किया है, उससे 5 मिनट पहले मेरी जो है अली रजा शाह आरम उससे मेरी बात हुई, कहता किधर, मैं कहा मैं अपने घर हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर हूँ। उसके बाद फौरन ये पुलिस वाले आए हैं, और जो मेरी बेवा भाभी है उसको थप्पड़ मारे गए हैं सर, उसको जलील किया गया, और मेरे भाई को मारा गया है, मेरे भाई बड़े को पकड़ लिया है, मेरी बेगम को पकड़ के ले गए, और साथ में मेरे 2 साल का बच्चा था सर जो दोस्त भी था। ये है हमारा नया पाकिस्तान जो इमरान खान साहब लेके आए हैं, तब्दीली का निशान। ऊपर से कह रहे हैं कि आप सब्र करें, कितना सब्र करें खान साहब, आपने बताना है, क्योंकि आप हुक्मरान हैं, आपने बताना है कि फैसलाबाद में इतनी लाकानूनियत है कि मेरे भी अल्फाज इस भाई का दुख देख के इज्जतें सबकी बराबर होती है, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान की बेगम हो, चाहे वो नवीद सोहेल की बेगम हो, चाहे वो किसी रेड़ी वाले की बेगम हो, इज्जतें सबकी बराबर होती है, मगर ये पमाल करने वाले गद्दार पुलिस के गुंडे इनको लगाम डालें। आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, आप लगाम डालेंगे इन्हें, आपको डालना पड़ेगी, वरना टीवी 99 कभी खामोश नहीं होगा। हम आपको पर्दा स्क्रीन पर लाते रहेंगे, आपको जुर्म को बेनकाब करते रहेंगे। हमारा ये मोटो है कि जुर्म को बेनकाब करना है। हम ये नहीं कहते कि सारे शरीफ शहरी होते हैं, मुजरम भी होते हैं, उनको सजाएं अदालतें देती हैं। ये 2 पैसों पर बिकने वाले पुलिस वाले एएसआई साहिबान नहीं देते, अदालतें देती हैं। अदालत तक जाने कौन देता है? इंशाल्लाह टीवी 99 की टीम आपके साथ है। सबसे बड़ा अल्लाह बहुत रहीम और रहमत करने वाला है। ये बताएं कि अभी तक फरहान उसी थाने में है? सर उसी थाने में है जब पकड़ के ले गए रात को। सुबह को सर मिनते समाजते कि इनसे, वो कहते नहीं हम इसके ऊपर डकैतियों के पर्चे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, इसका पुलिस मुकाबला बना देंगे। उसके बाद सर हमने अदालत से रिज्यू करा और सर उस बैलअप पाया सर, बैलअप दे विच सर उन्होंने बेगम नूं उत्थे लैन दा, भाई नूं उत्थे लैन दा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਖਾਲਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋ ਅਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗਨਾਮ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਆਪਕੀ ਹਮਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਭ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਅਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਪੇ ਜੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ ਤੀ ਵੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਾ ਇਨਕੀ ਤਹਿਵੀਲ ਮੇਂ? ਜੋ ਸਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਉਸ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਸਰ ਰਹੀ, ਅਬ ਇਹ ਮੁਝੇ ਮੈਨੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਥੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਸਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਥੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕੀਆ। ਮੁਝੇ ਮੈਨੇ ਇਸੇ ਫੋਨ ਕੀਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਗਨਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੂਨੇ ਰਿਟ ਕੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੇ ਰਿਜੂ ਕੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਅਦਾਲਤ ਸੇ ਰਿਜੂ ਕੀਆ ਤੋ ਤੁਹਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਣਾ ਮੇਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਵੀ 99 ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੀ ਆਹ ਯੇ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਮੋਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾ। ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਸੇ CPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ, RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ, IG ਪੰਜਾਬ, ਹਮਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ, ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਜੈਸੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ ਆਏ, ਸਰੇਆਮ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ। ਮੈਂ RPO ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ASI ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋ ਜਬ ਚਾਹੇ ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰੇ, ਜਬ ਚਾਹੇ ਉਸਕੋ ਝੂਠੀ FIRੋ ਮੇਂ ਘਸੀਟੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾਣਾ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਰਪਟ ASI ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹਕਾਇਕ ਉਧਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਰ ਆਂਖੋਂ ਪਰ ਹਮ ਉਹਦੇ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਹਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਂਗੇ। ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਬੇਨਕਾਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।